अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस चैनल पे मैंने दो पीटीए की वीडियोस कवर की हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि पीटीए टैक्स आईफोन में किस तरह लगता है, पासपोर्ट का क्या सिनेरियो है और एक सिंगल सिम में आप पीटीए अप्रूव करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। बट उसी वीडियो में बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन लोग ये पूछ रहे थे कि कौन सा आईफोन का कितना पीटीए टैक्स है, हमें कैसे पता लगेगा पासपोर्ट पे कितना है और नॉर्मल कितना है, आईडी कार्ड पे कितना है। प्लस मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से पासपोर्ट पे आप पीटीए से डिस्काउंट ले सकते हैं और क्या वाकई आप डुअल सिम आईफोन को सिंगल सिम में सस्ते में पीटीए अप्रूव करा सकते हैं या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, पासपोर्ट पे किन पासपोर्ट पर आप पीटीए से डिस्काउंट ले सकते हैं और थोड़ा सा चीपर वे में अपने मोबाइल फोन को पीटीए अप्रूव करा सकते हैं, तो सिर्फ ट्रेवल पासपोर्ट पर ही होगा। अब ये मैटर नहीं करता कि कोई भी हो सकता है, आपको कोई दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, उनका आप पासपोर्ट लेंगे, अगर उसमें विद इन 30 डेज ट्रेवल हिस्ट्री होगी तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी लोकल पासपोर्ट पर अपने फोन को रजिस्टर नहीं करा सकते और ना ही अगर आपके कोई रिलेटिव बाहर बैठे हुए और आप सिर्फ पिक्चर मंगा लेते हैं या पासपोर्ट नंबर मंगा लेते हैं, तब भी आप इस तरह का डिस्काउंट नहीं अवेल कर सकते। पासपोर्ट का पाकिस्तान में होना जरूरी है और विद इन 30 डेज ट्रेवल हिस्ट्री होना भी जरूरी है। और आप अपना डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। अब सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या पीटीए अप्रूव्ड हम सिंगल सिम करा सकते हैं, जैसे आईफोन एक्स, 10S, 10R, ये जो आईफोन्स हैं या 12 की सीरीज है वो डुअल सिम आईफोन्स हैं और वहां पर आपको पीटीए का टैक्स जो है वो ज्यादा देना पड़ता है। तो यहाँ पे लोग मेरी वीडियो बनाने के बावजूद भी ये पूछते हैं कि क्या सिंगल सिम पीटीए अप्रूव्ड हो सकता है। ब्रो, आज के टाइम पे तकरीबन बंद हो चुका है, ये इलीगल क्यों है या फिर ये रिस्की काम क्यों है, मैं आपको क्यों मना करता हूँ, मैं बिल्कुल तफसील से ऊपर आई कार्ड में वीडियो आ रही होगी, मैं वहां पे समझा चुका हूँ। और सिंगल सिम वाले मामलात में वन वर्ड आंसर है, नहीं, आपको सिंगल सिम में पीटीए अप्रूव नहीं कराना चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन ये है कि किस आईफोन का क्या पीटीए टैक्स है पासपोर्ट पर और आईडी कार्ड पर। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, अभी मैं आपको शो करता हूँ ताकि आप हर एक आईफोन का इजीली पीटीए टैक्स जान पाएं। बट उससे पहले मैं बता दूं, ये जो लिस्ट मैंने तैयार की है ये सिर्फ आईडी कार्ड पर है, मतलब ये जो टैक्स की लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सिर्फ आईडी कार्ड पर ही है। और अगर आपको जानना है कि पासपोर्ट पे हमें डिस्काउंट के बाद इन्हीं पे कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो सिंपली आईफोन एक्स, सपोज कीजिए आईफोन एक्स की मैंने प्राइस पकड़ी 40,000 रुपए पीटीए टैक्स है, उसको मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया और जो मेरे पास अमाउंट आएगी वो मुझे पे नहीं करनी, मतलब जो सामने अमाउंट होगी वो मेरा डिस्काउंट होगा, वो मुझे पे नहीं करनी। तो स्क्रीन पे आप चार्ट देख रहे होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इजीली बैठ के आराम से चेक कर सकते हैं कि किस आईफोन का क्या पीटीए टैक्स है। यही थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें और ये भी बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।